गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ नमस्ते। जी जी नमस्ते नमस्ते, बैठिए। हेलो, आई एम शादीनाथ, आपकी बेटी। बहुत सुंदर है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं इसकी बहुत अच्छे लड़के के साथ शादी करवा दूंगा। आप समझे नहीं सर। क्या नहीं समझा? मैं क्या समझे आप? यही ना कि मैं आपकी बेटी की शादी करवा दूंगा। सर ये मेरी बेटी नहीं है। अरे बेटी नहीं तो फिर क्या है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है सर। Huh? Oh, no. अरे ये मेरी होने वाली नई मम्मी है। Oh, no. अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरा बेटा विकास है। इसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, इसके लिए मैं ये शादी कर रहा हूँ। लेकिन आपको शादी की इतनी जल्दी क्या है? दो तीन साल बाद तो आप अपने बेटे की ही शादी करवा सकते हो। आपको शादी की अभी क्या जल्दी है? आप क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। ये मैरिज ब्यूरो ही है ना? बिल्कुल ये मैरिज ब्यूरो ही है। तो फिर आप हमारे करवा दीजिए। ओके, क्यों नहीं, ठीक है करवा देंगे। लेकिन एक सवाल है आपसे। कैसा सवाल? जी मेरा सवाल आपसे नहीं। फिर सवाल किससे है? आपकी होने वाली बेगम से। पर अभी नहीं हुई। अरे मैं किस लिए बैठा? हो जाएगी ना। मुझे क्या पूछना चाहते हैं आप? देखिए आप हॉट हैं, सेक्सी है, ग्लैमर है, ब्यूटी है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर आप इनसे शादी क्यों करना चाहती हैं? ज्यादा इनकम, उम्र कम। देखिए मेरे पास कई रिच लड़के हैं, बहुत पैसा है उनके पास, अगर आप चाहें तो मैं उनसे आपकी शादी करवा सकता हूँ। मैं यहाँ अपनी शादी के लिए आया हूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने नहीं आया हूँ। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सही बात कर रहा हूँ। आप पापा की शादी करा रहे हो या नहीं? अरे बेटा उनकी शादी करवा दूंगा ना, आपको इतनी जल्दी क्यों है? आप समझे नहीं। जी जी मैं बिल्कुल नहीं समझा। मैं आपको समझाता हूँ, पापा की शादी के बाद मेरा नंबर है। ओह अच्छा अच्छा, ये बात है। समझ गए समझ गए। क्या समझ गए? आपके पापा की शादी के बाद मैं आपको लड़की ढूंढ के दूंगा। हा? मेरे पास बहुत लड़कियाँ हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास गर्लफ्रेंड है, अगर आपको चाहिए तो मुझे बोलिए। Oh, no. ये मेरा बेटा है। ये मेरा होने वाला बेटा है। देखिए आपका होने वाला बेटा बड़ा महान है। आप दोनों का नाम जरूर रोशन करेगा। यो, 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 यो। मैं नाम रोशन करूं या ना करूं, आपका क्या है? अंकल टाइम घुटी मत करो, मेरे पापा की जल्दी शादी करवाओ। करा दूंगा लेकिन आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? अरे अंकल आज शाम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ना डिनर में जाना है। ओह अच्छा, डिनर पे, क्या बात है। ये बेटा आप लोगों का नाम जरूर रोशन करेगा, और आप लोग जैसा ही ग्रेट बनेगा। मुझे पता है, मुझे पता है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप जल्दी से हमारी शादी करवा दो। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे अपने फ्रेंड के साथ
खंडारा जाना है। तो क्या आप अपने होने वाले हस्बैंड के साथ नहीं जाएंगी? इनके साथ मैं जाऊंगी, एक हफ्ते बाद स्विट्जरलैंड। पापा मैं भी स्विट्जरलैंड चलूंगा। तुम वहां जाके क्या करोगे? आप मम्मी क्या चलना, मैं अपने गर्लफ्रेंड क्या चलूंगा। वेरी गुड माय सन। जी आप तीनों लोग हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे? हम दोनों और हमारा बेटा अपने गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करने जाएंगे। कितने अच्छे विचार हैं आप लोगों के। अरे पारिवारिक संस्कार। मैं आपके संस्कार को नमन करता हूँ। नमन की जरूरत नहीं, आप हमारी शादी करवा दीजिए। ठीक है मैं करवा देता हूँ। तो आपका शुभ नाम? विकी बाघमारे। ओके और आपका क्या नाम है? आरती बाग। क्या बात है, आप बाग और आपके होने वाले हस्बैंड वाघ मारे, क्या बात है? सर ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसको मारता है। ठीक है आप लोग कल आइए, मैं आप दोनों की शादी करवा देता हूँ और फीस जमा कर दीजिए, मैं पेपर्स तैयार करके रखता हूँ। फीस कल ही दूंगा। अरे कल क्या, आज फीस जमा कर दिए, पेपर बनाने हैं और काम भी करना है। ठीक है फीस भी कल ही देंगे सर। फीस तो सर हम कल ही देंगे। आज दे देते तो काम बन जाता था। दो तीन साल बाद तो आप अपने बेटे की भी शादी करवा सकते हैं। आपको शादी की क्या जरूरत है? आपको शादी की क्या जरूरत है? क्या बोलूं मैं? आप ही बोलिए मेरा। आप ऐसे ऐसे पूजा देते तो वो बता के मुझे। सर मेरे पैर में मच्छर लड़ रहे हैं। चल थोड़ी देर खत्म हो जाएगी। चल अच्छा चल। मजबूर हैं आप, ऐसी लड़की मिल रही है तो आप तो मजबूर हैं। मुझे समझ गया, आपने मुझे आपको हर चीज बर्दाश्त करना है। चलो कंटिन्यू। लेकिन फीलिंग अच्छी चाहिए हां मुझे। कोई बोले चलिए हम दोनों और हमारा बेटा दोनों गर्लफ्रेंड के साथ में। दोनों नहीं अपनी गर्लफ्रेंड हो गए ना। ये हां ये मम्मी बोल रही है। सर ऐसा नहीं, हम दोनों मेरा